नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिश ऑयल ओमेगा 3 के बारे में। दोस्तों फिश ऑयल यानी कि मछली के तेल, इसके कैप्सूल आपने मार्केट में देखे होंगे और इसके फ़ायदों के बारे में भी जानने की कोशिश की होगी। तो आज हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इसे कब और कैसे लेना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि इसे लेने का बढ़िया तरीका और टाइमिंग क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। दोस्तों फिश ऑयल में ज़्यादातर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमें डाइट से नहीं मिलता। डाइट में ज़्यादातर ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि ज़रूरी तो है लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं। तो फिश ऑयल ओमेगा 3 में मुख्य तौर पर दो एसिड पाए जाते हैं, EPA और DHA। दोस्तों कभी भी आप कोई बॉटल देखेंगे उसके ऊपर EPA और DHA की एक डोज बताई होगी जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अब हम बात करते हैं फ़ायदों की। ओमेगा 3 फिश ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ज़्यादातर इसके हार्ट के लिए फ़ायदे माने जाते हैं। अगर आप अपना दिल स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको फ़िश ऑयल ज़रूर खाना चाहिए। आजकल बहुत से हादसे हो रहे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज जवानी में ही दुनिया छोड़कर जा रहे हैं और कारण है हार्ट फेलियर। तो अगर आप भी अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंज्यूमशन करना शुरू कर दें। दोस्तों फिश ऑयल में विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो अगर आप विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड कंज्यूमशन करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होगा तो बहुत से फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। दोस्तों विटामिन डी अगर भरपूर होगा तो इससे आपकी बोन्स भी अच्छी होंगी, यानी कि आपकी हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया होगी। अगर आपके जॉइंट्स दर्द होते हैं तो जॉइंट्स दर्द नहीं होंगे और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़िया बनी रहेगी। दोस्तों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फ़िश जो है वो हमारे दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद रहती है, तो फ़िश ऑयल खाना आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका ब्रेन का विकास हो रहा है तो उन्हें आप फ़िश ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं, या फिर बुज़ुर्ग जो लोग हैं उन्हें भी दे सकते हैं। यह ब्रेन के विकास के लिए फ़ायदेमंद है और जिन्हें बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं उन्हें भी ये फ़ायदा देता है। दोस्तों अगर आप अपनी स्किन से परेशान हैं, स्किन रूखी सूखी रहती है, मेलाज्मा की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, तब भी आपको फ़िश ऑयल ओमेगा 3 का कंजम्पशन करना चाहिए। यह स्किन को नॉरिश करता है। अगर झाइयाँ की प्रॉब्लम है तो झाइयों को भी दूर करने का काम करता है। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है यह आपके वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा चर्बी यानी कि एक्स्ट्रा फैट से परेशान हैं, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट के साथ आप फ़िश ऑयल की कंजम्पशन करें, फ़िश ऑयल के कैप्सूल खाएं, इससे आपका वज़न कम करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, जिनमें से आपके बाल भी हैं। अगर आपके बाल रूखे सूखे रहते हैं, रूसी है, या फिर बाल झड़ रहे हैं, तो बालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे कब और कैसे लेना चाहिए। दोस्तों फ़िश ऑयल के कैप्सूल आप ले आइए, 1000 mg वाले हैं तो 1000 mg का एक कैप्सूल ही बहुत है दिन में। अगर आप छोटे कैप्सूल लेकर आते हैं 400 mg वाले, तो वो भी आप दो कैप्सूल लीजिए दिन में। तो एक कैप्सूल आप लीजिए 1000 mg वाला। अब बात करते हैं लेना कब है। तो दोस्तों आप दोपहर को लंच के बाद ले सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। तो ये दो मुख्य टाइम है ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़िश ऑयल ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।